At the end, on behalf of the Pakistan Tehreek-e-Insaf as the chairman, on behalf of the people of Pakistan, we strongly condemn in the floor the assassination attempt on Donald Trump. We are glad that he has survived the attack. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. There has been democracy for years, and we hope they will continue with the democratic process as they would like. We are glad that he has survived the attack. Thank you. अच्छा नहीं था सही में स्टेटमेंट दोबारा स्टेटमेंट मैं रिपीट करता हूँ एट द एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर एंड सपोर्टर इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ चेयरमैन वी कंडेम एंड डिप्लोर द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन डोनाल्ड ट्रंप वी होप दैट द अमेरिकन पीपल वुड डिसाइड द फेट ऑफ देयर डेमोक्रेसीज They have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway. We are very glad that he has survived that attempt. Thank you very much. देखो उस पर पहले हम स्टेटमेंट दे चुके हैं 200 से ज्यादा केसेस बनाए 200 केसेस से कुछ नहीं मिला जो केस आजाद ददलिया के सामने खुल के आता है वो खत्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में कोई जान नहीं है ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला और आजाद ददलिया है इसमें भी इंशाल्लाह खान साहब को बेल और रिलीफ मिलेगी नहीं देखिए जहां तक एफिडेविट का ताल्लुक है तो एफिडेविट का नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो 41 एमएनएज है वो अपनी स्टेटमेंट जमा कराए तो उन्होंने अपनी दस्तखतों से खुद इंडिविजुअली अपने नाम जो स्टेटमेंट से वो जमा कराए हैं और इसमें पार्टी का जिक्र किया गया है वो सर्टिफिकेट वाला जिक्र नहीं है वो पहले वो हेड ऑफ अ पार्टी नो पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सो दैट कन्फर्मेशन हम उनकी सबमिशन के बाद जमा कराएंगे देखो जहां तक वजीर आजम का ताल्लुक है वजीर आजम का नारा आज भी है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब That's it. वो आवाम ने 8 तारीख को चूज किया था और वो हम सब कुछ डिबेट दे चुके हैं लेकिन जहां तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है यस इंशाल्लाह ताला ये रिजर्व सीटें मिलने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में द लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी और इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान खान साहब ही नहीं देखो फिलहाल पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया देखे पाकिस्तान देखो आप रिव्यू फाइल करना हर लिटिगेंट का अपना राइट है लेकिन ये फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और ये डिसीजन जो आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटाइटल है ये 11 जजेस का व्यू है 2 जज ने डिसमिस किया बाकी 11 जजेस का व्यू है जहां तक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रीव्ड पार्टी जरूर थी थ्रू आउट हम कंटेस्ट करते रहे और हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद फाइल किया और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे ये फैसला आया है देखिए बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है ये किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं है ये रिवर्शन है रिवर्शन फाइल करने के लिए हमेशा से आपको टाइम मिलता है वो पहले से पार्टी शुदा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म
कि उनके मुताबिक ये रिटर्न कैंडिडेट थे और जिस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा कि यस ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसके मुताबिक मिला। जहां तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, हम 93 MNAs है, लेकिन ये जो सीटें हमारे पास मिलेगी वो 20 वुमेन सीट और 3 नॉन मुस्लिम सीट है, तो नंबर ऑलरेडी नोन है। और इलेक्शन कमीशन, एक सवाल छोटा, टाइम है अभी नहीं, देखो वो कोई नाराज नहीं थे, बर्बाद जगहों में ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में हमें इसलिए दिक्कत सबकी आई है कि पंजाब में वो ई फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो वो उसका कुछ अवेलेबल नहीं थे, वो इसलिए उन लोगों को वो दिक्कत आई और वो फिर आकर के इस्लामाबाद में लेने शुरू कर लिए, तो सिर्फ उसी की वजह से बाहर गए। सिर्फ 3 MNAs हमारे बाहर है, बाकी सब ने कंप्लीट करा लिया और वो मिल गए। थैंक यू। एक सवाल, दोबारा बताइएगा ये आखिरी पार्ट क्या जुड़ी हुई चीज हमेशा गलत और देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम किसी भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामान में जो पार्टीज है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MKM है, उनके साथ मिलकर हमारा कोई इरादा नहीं है किसी हुकूमत बनाने का। और खान साहब ऐलान यही कर चुके हैं कि वी वॉन्ट टू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन। वो कब हो रहा है, कैसे हमारा स्ट्रगल हो जाता है, दे विल कंटिन्यू, बट हमारी किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का वो नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक है, तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द अनबोर्ड आ जाएंगे। और हमारे 2 पॉइंट एजेंडा, एक ये कि अदली आज़ाद हो और दूसरे कि इलेक्शन कभी रिग ना हो, तो ये सब के लिए पूरे मुल्क के लिए। देखो वो एक स्टेटमेंट आकर के हमने ये कर दिया था और साथ यही कहा था कि अगर स्पीकर साहब अपने रवैये को और डिप्टी स्पीकर साहब रवैये को चेंज नहीं कर रहे, तो फिर हम इस इकदाम पे सोचेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और हम सिर्फ यही उनसे बार बार रिमांड करते रहें कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हम भी इस पार्ट में बैठे हैं और हमसे मिलकर ही जमहूरियत बनती है, तो इसलिए आप हमें टाइम दें। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमें टाइम देंगे। थैंक यू।